उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। देश की संसद में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बीएसपी के सांसद दानिश अली को एक मिनट के भीतर पूरे 11 अपशब्द कह डाले। संसद में एक सांसद की ओर से दूसरे सांसद के साथ किए गए ऐसे असंसदीय व्यवहार से जहां सदन में मौजूद विपक्ष के सांसद सन्न रह गए, वहीं इस पर सदन में मौजूद रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीच में ही खड़े होकर नाराज विपक्षी सांसदों से ऐसे अमर्यादित व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। बीएसपी के जिन सांसद दानिश अली के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है वो अमरोहा से सांसद हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में वे कुंवर दानिश अली के नाम से चर्चित हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले हैं। जिस घराने से ये आते हैं उसका राजनीति में बहुत पुराना दखल रहा है। इनके दादा कुंवर महमूद अली साल 1957 में डासना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, जबकि 1977 में वे हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। उस समय उन्होंने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इनके पिता जफर अली भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इस तरह से दानिश अली को बचपन से ही घर में राजनीतिक माहौल मिला, वहीं से इनकी राजनीतिक ट्रेनिंग की शुरुआत भी हुई थी। अपनी राजनीतिक शुरुआत इन्होंने छात्र राजनीति से की थी। सक्रिय राजनीति में इन्होंने जनता दल सेक्युलर पार्टी से कदम रखा था, लेकिन साल 2019 आते आते उन्होंने जेडीएस को गुड बाय कह मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बसपा ने इन पर विश्वास जताया और इनको साल 2019 में अमरोहा से उम्मीदवार बनाया। ये उन उम्मीदों पर खरे भी उतरे और बीजेपी के कंवर सिंह तंवर और कांग्रेस के सचिन चौधरी को हराकर इन्होंने अमरोहा से बसपा की जीत का झंडा लहरा दिया था। अगर इनकी संपत्तियों की बात करें तो अमरोहा लोकसभा सीट से साल 2019 में अपना चुनावी हलफनामा दाखिल करते हुए इन्होंने अपनी संपत्तियों के संबंध में जो घोषणा की थी उसके मुताबिक कुंवर दानिश अली के पास कुल 7,49,20,879 रुपए की चल अचल संपत्ति है। इसमें से इनके पास 46,84,29 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 7,02,36,850 रुपए की अचल संपत्ति है। इनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक 2019 तक इन पर पूरे 5,83,18,764 रुपए की देनदारियां भी थीं। इनकी अचल संपत्तियों में इनके पास 3,94,56,850 रुपए की खेतीहर भूमि है। इनके पास 2,51,80,000 रुपए मूल्य की रिहायशी इमारतें भी हैं। इनके पास कमर्शियल पर्पस की 56,00,000 रुपए कीमत की प्रॉपर्टीज भी हैं। राजनीति के मैदान में दानिश अली को एक तेज तर्रार नेता कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर दिख रही बसपा के साथ इनका जुड़ाव अभी भी बना हुआ है। ये मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। इन दिनों संसद में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी से अपशब्द सुनने को लेकर ये लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं। विपक्ष के अलग अलग दलों के बड़े नेताओं ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर वे इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से शिकायत भी की है। इंतजार अब उन पर एक्शन लिए जाने का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।